In this video, we're going to talk about last stage of this section, that is preparing and outlining. So, अभी तक हम discuss कर चुके हैं कि content कैसे develop करना है. Central idea क्या होता है? एक sentence जो पूरी speech को summarize करता है, that is your central idea. Main ideas जो आपकी logical या divisions बन सकती हैं किसी topic की, that is main idea. फिर उस किसी भी मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आप किससे, कहानियाँ, रिसर्च, एग्जांपल्स, जो भी आप डिफिनेशंस, एनालॉजीज, जो कुछ आप कहते हैं, देयर इज़ सपोर्ट. नाउ ये सारी चीज़ें आपने सेंट्रल आइडिया डेवलप कर लिया, मेन आइडिया डेवलप कर लिया, सपोर्टिंग मटेरियल लिख लिया, देन नाउ उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सी बात पहले कहेंगे, कौन सी बात बाद में कहेंगे, राइट? सो देयर इज़ दैट वी आर गोना डिस्कस इन ऑर्गेनाइजिंग स्पीच. तो ऑर्गेनाइजिंग स्पीच और प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करने के फ़ायदा क्या होता है? ऑडियंस के लिए ये फ़ायदा होता है कि उनको बड़ी आसानी से समझ आता है मैसेज, राइट? तो आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट जो होता है ऑडियंस के ऊपर, यू कैन क्रिएट दोज दैट डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑन योर ऑडियंस, राइट? और आपकी इमेज एज अ स्पीकर बूस्ट करता है. ये तीनों फ़ायदे आपको होते हैं. दो फ़ायदे आपके लिए हैं और एक फ़ायदा ऑडियंस के लिए. अच्छा, इस और क्या फ़ायदे हैं कि आपको इधर उधर की बातें करने से रोक देता है. अगर आपकी स्पीच ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप इधर उधर की बातें करेंगे, आप एक आइडिया को बयान करते करते कहीं और निकल जाएंगे. इफ़ यू आर यू हैव योर प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड, इट वोंट हैपन टू यू. आप अननेसेसरी यू नो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे. यू वोंट मिक्स अप आइडियाज़ कि मेन आइडिया क्या था, उसके बाद आपने क्या करना. यू वोंट मिक्स दीज थिंग्स, राइट? अगर स्पीच ऑर्गेनाइज ना की जाए तो इवन के एक्सपीरियंस्ड स्पीकर जो होते हैं वो भी, उनको भी प्रॉब्लम होता है प्रेजेंट करने में. दे ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? तीन हिस्से होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. एवरीबडी नोस अबाउट इट, राइट? इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जब आप कंपेयर करते हैं इन दो हिस्सों को विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेजेंटेशन, ये छोटे से हिस्से होते हैं, राइट? योर इंट्रोडक्शन इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर स्पीच, योर कंक्लूजन इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर स्पीच. हो सकता है एक मिनट के हों, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है, वी कैन हैव अ लुक हियर. इंट्रोडक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन क्या होता है जी? ये बहुत आसान सी चीज़ है, ओपनिंग लाइन्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है? आप इसे प्रेजेंट तो पहले करते हैं, लेकिन ये यू प्लान इट एट द वेरी लास्ट. हमेशा ये प्लान आखिर में की जाती है, जब आपका मेन सेंट्रल आइडिया, आपके पास मेन आइडियाज़ और सपोर्टिंग मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद आप इसे प्लान करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा मेरा. प्रेजेंट पहले करेंगे, प्लान आखिर में करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर पहले ही आप इसे फौरन पहले ही आप इसे जो है, बिकॉज ये पहले आता है, आप कहेंगे मैं इसे पहले ही यू नो प्लान करना चाह रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा सेंट्रल आइडिया क्या है? आपको कैसे पता चलेगा मेन आइडियाज़ क्या है? आपको कैसे पता चलेगा इस मेन आइडिया की सपोर्टिंग मटेरियल क्या है? तो ये आखिर में हमेशा प्लान होगा. ये बात ज़रूरी याद रखने वाली है. तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है, ये इंट्रोडक्शन के पार्ट्स कितने होते हैं? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं. ये ऑडियंस की अटेंशन आप अपने पास ले लेते हैं, राइट? इंट्रोड्यूस टॉपिक बताते हैं, ऑडियंस को रीज़न बताते हैं क्यों आपकी स्पीच सुने, आप कौन होते हो ये बात करने वाले, आपकी बात क्यों मानी जाए, क्रेडिबिलिटी, सेंट्रल आइडिया क्या है आपका, मेन आइडियाज़ क्या हैं आपके, और आप क्वेश्चन आंसर के रूल बता देते हो. क्वेश्चन दरमियान में पूछ सकते हो या आखिर में पूछेंगे ऑडियंस, ये आप उनको बता देते हो. तो स्टेप बाई स्टेप हम इसमें देखते हैं. तो सबसे पहली बात जो इंट्रोडक्शन का होता है, वो ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करने के लिए यू नीड इंट्रोडक्शन, राइट? तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ऑडियंस की अटेंशन देने के लिए, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा और इफ़ेक्टिव लोग अक्सर यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्पीच एक किस्से, कहानी से, इलस्ट्रेशन या एनेक्डोट, कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं. एक दफ़ा का जिक्र था, मैं कहीं जा रहा था, वगैरह वगैरह, कुछ भी, या किसी की स्टोरी हो सकती है, आप अपनी स्टोरी बयान कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. देखें, जिस तरह ये एक प्रेजेंटर है, इसने जो है, ये आप पढ़ लेंगे, ये जो है इसने अपनी स्पीच इस तरीके से इंट्रोड्यूस की. इसने एक किस्सा शुरू किया, ऑन अक्टूबर 1994 ये हुआ जी, तो हम 14 साल के लोग थे और हमें गन्स पकड़ा दी हाथ में टू फाइट,
तो वे कहते हैं यार लाइक ऑडियंस जो है यार अचानक यार ये 14 ईयर्स 8 to 14 ईयर्स लोगों को गन कैसे पकड़ाई गई, क्यों पकड़ाई गई लाइक। तो देन ही सेज़ डेट 8 ईयर ओल्ड बॉय वॉज मी, माई 13 ईयर ओल्ड ब्रदर एंड आई वर फोर्स टू एक्सपीरियंस थिंग्स दैट नो अदर चाइल्ड शुड एवर हैव टू एक्सपीरियंस। इस तरह करके वो ऑडियंस की टेंशन ले लेता है, राइट। सो ये एक तरीका है कि हमेशा स्टोरी सुनाएंगे, नो। अदर तरीके भी हो सकते हैं, रेटरिकल क्वेश्चन, इस तरीके से भी। रेटरिकल क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका आप स्ट्रेट अवे आंसर नहीं कर सकते येस नो में, आपको सोचना पड़ेगा, एंड यू एट टाइम्स यू नीड टू थिंक अ लॉट। तो रेटिकल क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाई डू वी एग्जिस्ट हियर, राइट, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, कोई भी इस तरह के क्वेश्चन जो आपको सोचने में मजबूर करे, रेटिकल क्वेश्चन। अच्छा, बाद का जो है दूसरा तरीका क्या होता है अटेंशन ग्रैब करने का, टू रिलेट अ सरप्राइजिंग स्टार्टलिंग मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट और स्टेटिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात करता हूँ, मैं आपको एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बताता हूँ जिसमें 98% ऑफ द पीपल, पाकिस्तानी पीपल आर विक्टिम ऑफ दैट डिजीज़। आप कहेंगे 98% लोग पाकिस्तान में उस बीमारी में मुबतला हैं, वो कौन सी बीमारी है और हमें मुझे अभी तक पता नहीं है, क्या मैं भी इसमें मुबतला हूँ? तो इस तरह की कोई सरप्राइज। अच्छा, क्या ये झूठ होने चाहिए? नो नो, इट शुड बी ऑथेंटिक। ये ड्रामेटिक तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं तो अटेंशन लेने के लिए। आप किसी एक्सपर्ट की कोटेशन या लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आप जिस तरह कहते हैं कि पेज नंबर बुक फलानी और पेज नंबर फलानी भाई राइटर ये बात करता है, तो अचानक जो है अगेन इस काइंड इट बिकम्स अ स्टोरी। चलो ह्यूमरस स्टोरी, कोई मजाकिया कहानी वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई आप ऑडियो या वीडियो चला देते हैं, ठीक है, या कोई हिस्टोरिकल और रीसेंट इवेंट्स, जो आजकल कोई इवेंट हुआ या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ आप उसकी तरफ लिंक कर देते हैं, उसको बयान करते हैं। तो ये लेट्स से जंगे यू नो वर्ल्ड वॉर टू में फलाना एक फौजी था, उसने मरते हुए अपने ये अल्फाज कहे, यू नो कुछ भी लाइक दिस। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं आप ऑडियंस की टेंशन देने के लिए। क्या लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई है? नो, इसके अलावा भी हो सकती हैं। यू कैन थिंक ऑफ योर थिंक ऑफ योर ओन स्ट्रेटजी, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। लेकिन इन सब में से जो अच्छी होती है वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और बाज़ अवकात जो होते हैं कुछ लोग स्पीकर जो आपसे पहले स्पीकर आया है उसी की कंटिन्यूटी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह डिबेट होती हैं, डिक्लेमेशन डिबेट्स होती हैं, राइट, कि एक बंदे ने इस टॉपिक के हक़ में बोलना है और दूसरे ने उसके मुखालिफ बोलना है, तो क्या जब ये टॉप ये आप जाएंगे, हो सकता है आप बजाय किसी कहानी या इन सारी स्टडीज़ के बजाय आपने जो अभी अभी एक स्पीकर गया है उसने जो बातें की हैं उन्हीं की बातों को दोहरा के उसको समराइज करके आप या उनके पॉइंट्स बना के और उनको कहेंगे उस बंदे ने ये बात की हालांकि ये बात ऐसे है, तो यू कैन स्टार्ट दैट वे एज वेल, राइट। सो बात ये हम पहले कर चुके हैं कि हर स्ट्रेटजी हर प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, तो यू नीड टू वर्क फॉर योर ओन, राइट। आपको अपनी स्ट्रेटजी एट टाइम यू नीड टू डिवेलप। अच्छा, तो हमने पहली बात की कि इंट्रोडक्शन का मकसद क्या होता है ऑडियंस की अटेंशन लेने के लिए। दूसरा मकसद क्या है? टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप बताएंगे ऑडियंस जो है व्हाट इज़ योर टॉपिक, व्हाट आर यू गोना टॉक अबाउट, ठीक है। आप टॉपिक्स टॉपिक का बताएंगे, फिर टॉपिक क्या कैसे बताएंगे वो हम आगे चल के हमें बताते हैं। मैं आपको जहाँ पे सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया की बात करूँगा तो आप बताते हैं। गिविंग द ऑडियंस अ रीज़न टू लिसन, आप ऑडियंस को ये वजह बताएंगे, ऐसी कंपेलिंग रीज़न देंगे कि दे हैव टू लिसन टू इट। देखें, कोई भी काम फ़ायदे के बगैर इंसान नहीं करता, तो ऑडियंस को देर मस्ट बी समथिंग इन योर प्रेजेंटेशन कि ऑडियंस के लगे कि उनका सुनने में उनका कोई फ़ायदा है, राइट। उनको ये फीलिंग्स आएँ कि दिस कंसर्न्स मी, कि ये मेरे बारे में कोई बात की जाने जा रही है, लाइक दिस, राइट। सो इट कैन बी लाइक दिस। अच्छा, फिर जो है इंट्रोडक्शन का, अभी तीन बातें हमने कर ली हैं। इंट्रोडक्शन का पहला मकसद क्या है? कि आपकी ऑडियंस की टेंशन लें। दूसरा, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें। आप जो है ऑडियंस को रीज़न दें कि आपकी स्पीच क्यों सुनी जाए। इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, आपकी बात पे मैं क्यों बिलीव करूं एज एन ऑडियंस, राइट। आपने ऑडियंस को
रीजंस बतानी हैं कि आपकी बात पे क्यों यकीन किया जाए। हु आर यू, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप ये बात कैसे कर सकते हैं, आप ये दावा, इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें वो सारी रीजन बताएंगे। हो सकता है आप एक काम करने के बहुत ज़्यादा स्किल्स हों, आपकी आपके टैलेंट्स हों, आपके एक्सपीरियंसेस हों, आपने वो लेट से आप एक जर्मनी के अंदर एक स्टोरी सुना रहे हैं एक जगह की, तो आप जो है वहाँ पे खुद गए, आपने अपनी आंखों से एक चीज़ देखी है, तो इस वजह से आप बता रहे हैं। दैट इज़ वाई ऑडियंस आपकी बात पे यकीन करें, राइट। और यू आर एक्सपर्ट, लेट से माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बिल गेट्स आपको कोई लेक्चर दे रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी हर बात जो है वो हर्फ आखिर है, राइट। सो ही इज़ एन एक्सपर्ट, उसकी क्रेडिबिलिटी है, बजाय इसके कोई इधर उधर कोई और बिल गेट की कहानी सुनाए, वो कहानी और तरह की होगी, लेकिन बिल गेट जब खुद अपनी कहानी सुनाए, दैट इज़ समथिंग एल्स। क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर एक और इंट्रोडक्शन का जो हिस्सा होता है, दैट इज़ सेंट्रल आइडिया। तो ये वो आइडिया होता है जिसमें आप लोगों को बताते हैं कि आज मैं आपको लेट्स से विंडोज़ इंस्टॉल करने के तीन तरीके बता रहा हूँ। तो ये काइंड ऑफ सेंट्रल आइडिया है। मैं आपको जो है लाइनिक्स पे काम, किस तरह आप लाइनिक्स जो है इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर, ठीक है, लेट्स से ये एक आइडिया है। तो ये सेंट्रल आइडिया आप बताते हैं इंट्रोडक्शन में कि आपकी स्पीच क्या है, ठीक है। फिर इसमें हम तीन बातें करेंगे, फॉर एग्जांपल तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा, 1 2 3। आप जो है हिंट दे देते हैं ऑडियंस को कि आज कितनी बातें ये स्पीकर करने जा रहा है, क्लियर। ये भी इंट्रोडक्शन के साथ आखिरी हिस्सा जो होता है इंट्रोडक्शन का, दैट इज़ आप लोगों को ये बता देते हो कि क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, बिकॉज वेन एवर यू गोना टॉक अबाउट समथिंग तो पीपल विल हैव क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स, तो आप उन्हें पहले ही बता देते हैं कि क्वेश्चन और आंसर का सेक्शन कब होगा। दरमियान में वो बाई रेजिंग देयर हैंड्स दे कैन आस्क क्वेश्चंस, और एट द एंड ऑफ द यू नो प्रेजेंटेशन यू विल गिव देम टाइम टू आंसर देयर क्वेश्चंस। सो ये सारी जो भी हमने बताई, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में वी कैन टॉक अबाउट कंक्लूजन। सी यू देयर।